हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें, यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello my dear students and friends, welcome back. I am here with a new video and it's a phrase मन नहीं है। तो इस phrase को हम बहुत use करते हैं, तो उसको English में कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो how to make मन नहीं है in English? जैसे मैंने कहा आज मेरा खाने का मन नहीं है, ठीक है। तो पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो हमेशा सब्जेक्ट, फिर डोंट, डिडंट या डजंट आप यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है, मन नहीं है। तो आप डोंट, डजंट या डिडंट यूज करेंगे। फिर हम उसके बाद तो आप नेगेटिव बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूं डजंट डोंट और डिडंट प्लस फील लाइक प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। Let's change the color of this. तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे अब मैंने कहा आज मेरा खाने का मन नहीं है, तो आई डोंट फील लाइक ईटिंग टूडे। तो आज मेरा खाने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग टूडे। जैसे कल मेरा, अब इसमें नेगेटिव है, ये सिंपल भी हो सकता है जिसमें आज मेरा पिक्चर देखने का मन है, ठीक है। तो उसमें फिर नेगेटिव आप नहीं बनाएंगे। जैसे आज मेरा पिक्चर देखने का मन है, आई, तो फिर डोंट नहीं, फील लाइक वॉचिंग अ मूवी टुडे। तो ये इसमें हो जाए। अब जैसे पास्ट में अगर जाएं, जैसे कल उसका पढ़ने का मन नहीं था पर मैंने उसको कहा कि पढ़ो, है ना। तो कल उसका पढ़ने का मन नहीं था, तो शी या ही डिडंट फील लाइक स्टडिंग। Studying, she didn't feel like studying yesterday. I persuade him or persuade her. She used करें तो persuade her to study. आप आगे उसको बना सकते हैं, ठीक है। She didn't feel like studying yesterday. तो कुछ और हम ले सकते हैं, जैसे कई बार हमारे बचपन में हमारी माँ हमको डांट देती थी कि तेरा मन तो कभी पढ़ने का नहीं करेगा, मुझे पता है तेरा मन तो हमेशा खेलने का ही करेगा। तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो कि तेरा मन तो हमेशा खेलने का ही करता है ना। तेरा मन तो हमेशा, यू फील लाइक प्लेइंग एवरी टाइम या एवरी डे, यू फील लाइक प्लेइंग होल डे। तुम्हारा तो मन खेलने का ही करता पूरे, यू फील लाइक प्लेइंग होल डे। तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं सेंटेंसेस। तो
स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, डोंट, जो भी आपको लगता है हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में, डजंट, डोंट, डिडंट, फील लाइक और बी फोर आई एन जी वाला फॉर्म यूज कर लीजिए। एफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फॉर अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच माई न्यू वीडियोज। और मैं आप लोगों को यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, मैं ये जो भी वीडियोस बनाता हूँ केवल अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि मेरे को, मेरा गूगल एडसेंस जो है वो डिसेबल है, तो मुझे गूगल से, यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होती मेरे वीडियोस बनाने से। जैसे और लोग अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो उनको इनकम होती है, उनके वीडियोस पे ऐड चलते हैं, मेरे वीडियोस पे कोई ऐड नहीं चलते क्योंकि वो डिसेबल है गूगल से। तो मुझे कोई अर्निंग नहीं होती गूगल से या यूट्यूब से। मैं केवल वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखकर मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं एंड दे want to study or they want to learn English with me, that time they pay me my fee and they start learning, and that is my earning only. So thanks for watching, keep watching my videos. If you think I can help you learning English, you may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that. Thanks for watching. Thank you.